नमस्कार, मु विजया लक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। डा चलाचल सह माछ मारिबारे बारण करा किसी मत्स्यजीवी को भी आश्रयस्थल को स्थानांतर करा किसी क्षयति घटी भी आश्रयस्थल रही लोक रंधा खाद्य जोगाण जारी रही। आज भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मैंने विभिन्न आश्रयस्थल बुली स्थित अनुधान करते। पुरी जिला आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर के विशाल सिंह समेत विभिन्न थानार अधिकारी मैंने विभिन्न आश्रयस्थल बुली लोक सुविधा असुविधा बुझिंट। बात्या यास को नजर रखी मंगलवार महाप्रभु चाप को बंद कर दिया जाता। नरेन्द्र नौबिहार नक केवल नीतिकांति कर फेरी आसते महाप्रभु। बुधवार पगरे परिवर्तन परे महाप्रभु बाहर चंदन यात्रा नीतिकांति यथारीति अनुषित हो। पूर्वाह्न 11:55 रु 12:05 मध्य महाप्रभु भोगमटम नीति शेष होगापर मैलम आलट लगि चंदन लगी हुई बेश शेष होता। दक्षिणी घर भोग पर चंदन यात्रा दिन भितर को विजय करते। जातभोग पूजा संपन्न पर अपराह 3:40 रे महाप्रभु चलती प्रतिमा मदन मोहन सह श्रीदेवी और भूदेवी मणि विमान चंदन यात्रा बाहर थे। सांगरे पालिंगे रामकृष्ण एवं विमान पंच महादेव चंदन यात्रा नरेन्द्र अभिमुखे यात्रा करते। चंदन ठाकुर चंदन चकड़े विजे पर पूजार्चना सह नंदा भद्रा डंगारे भी दिन चाप खेली। चंदन कुंडे बुड़ी रहापर पुनर्बार राति चाप खेली श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करते। पुरी जिले में बात्या यास सफल मुकाबला जिलापाल समर्थ वर्मा को प्रशंसा करते स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। बात्यार प्रभाव पुरी जिला उपर आंशिक पड़ते भी विलंबित राति पर्यंत ए उपर नजर रखिथिबारु स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप कुमार जेना जिलापाल को धन्यवाद जनाई। श्री जेना आज ट्विट कर यह जनाई। बात्या यास विपद टल्वापर पुणि थे रथकला चलचंचल हो उठी। रथ निर्माण नियोजित सेवक मैंने बुधवार अपराह्न पुणि थे कर्मक्षेत्र को ओह्ल रथकल तुंब बिंध सह गुज कम को आगे नहीं। सेपटे रथकला चाड़ी को पूर्वभली प्रस्तुत कर आवश्यक कटक लागू कर बात्या को नजर रखी रथकला चाड़ी चांच सब खोली दीता। चतुर्पाश्वर घेरा जा धला कपड़ा भी खोली दीता। बुधवार मध्यान वर्षा छाड़ पाग सुधरवापर भोई सेवक मैंने रथकल चांच पक खोली दिया कपड़ा को पुणी बांधि जोगाई खोली दिया कपड़ा को पुणी बांधि रथकला को पुनर्बार सर्वसाधारण चलाचल उपर कटक लगे। लगाण वर्षा जो गत 24 अपराह्न रथ निर्माण कार्य बंद कर दि जाता। अपराह्न सुधा तीन रथर 42 तुंबर तालाध्वज रथर 3टी देवदर्शन रथर 5टी और नंदीघोष रथर 4टी तुंब कम सरी आउ 7 तुंबर 16 जोड़ा बिंध कम जारी रही। कम शेष पर बाकी तुंबरे बिंध कम आरंभ होपटे रूपकार सेवक मैंने कोणगुंज कम को त्वरावित कर गुजपटारे खोदेकर नृसिंह प्रतिकृति आंकुंट। अंपटे खोल जा जनतागाड़ सजाड़े लगी भू सेवक मैंने जनता बाड़िया बुधवार जनता गाड़े काठ और पट्टा सेटिंग कम को जोरदार कर आवश्यक जनता पट्टा बिंध पर दाग दि जाता। यह बिंध कम शेष हो। देश समेत राज्यर दिनकू दिन कोरोना द्रुतगति में माड़ चली। प्रधानमंत्री आरंभ कर मुख्यमंत्री पर्यंत समस्ते उद्वेग प्रकाश करते। वर्तमान यह महामारी रूप धारण करने को बसला फल देश में एक प्रकार आतंक खेली जाए। कोरोना को मुकाबला करने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समस्त सतर्कता अवलम्बन करने को परामर्श देते। से राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी करने सप्ताहत सटडाउन कार्यकारी कर राज्य में कोरोना संक्रमण से पर्यटन सहर भी पछे पड़ना। गत 24 घंटे जिले में 265 जन नूतन कोरोना रोगी चिन्हट होती फल जहाँ को नहीं जिलावासी मध्य कोको भय सृष्टि होपक्ष चिन्हट होता 265 जन केवल पूरी पौरांचल 57 जन आक्रांत चिन्हट होती। अस्तरंग ब्लक 8 जन ब्रह्मगिरी ब्लक 13 जन डेलांग ब्लक 9 जन गो ब्लक 49 जन काकटपुर ब्लक जड़े कोणास ब्लक 6 जन कृष्णप्रसाद ब्लक 7 जन निमापड़ा ब्लक 15 जन निमापड़ा एनएससी 3 जन पिपिली ब्लक 30 जन पिपिली एनएससी 15 जन पुरी सदर 26 जन सत्यवादी ब्लक 23 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होता जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना मिली।
मात्र सहर जोभरी भाव आक्रांत संख्या वृद्धि पाइबार लगी प्रशासन नजर ना गोटेपटे पुलिस केवल मास्क फाइन काटा लक्ष्य कर साधारण लोकों जोर जबरदस्त फाइन आदाय करिवारे व्यस्त सेपरी बाहर राज्य समेत राज्यर विभिन्न जिलूर सीधा सड़क लोक मैंने पूरी में प्रवेश कर खुलुम खुला बुलूं जहाद्वारा अधिक संक्रमित होवार आशंका रही अंपटे जिलार व्यापक भाव कोरोना टेस्ट कर लोक मैंने ना ना हईराण हरकत होती प्रशासन पक्ष समस्त व्यवस्था कर बास्तव चित्र ओलटा एभली आक्रांत संख्या जदि आगक माड़ी चले तेज जिले में भयानक परिस्थिति सृष्टि मात्र सरकार पक्ष नाइट कर्फ्यू जारी सह 31 तारीख पर्यंत सारा राज्य में लॉकडाउन जारी रही पूर्व सहर जनसमागम और पुरी को अबाध लोकों प्रवेश बंद कर नगले पर्यटन सहर को नियंत्रण करने प्रशासन पर बड़ चैलेंज हो बुद्धिजीवी मैंने मत प्रकाश कर। बड़दंड स्थित माँ मौसी माँ मंदिर परिसर में मंगलवार जलसाई नीति अनुष्ठित हो पवित्र नृसिंह चतुर्दशी तिथि माँ पीठ से स्वतंत्र पूजा अर्चना सह जलसाई विधि पालन करा पूजक मैंने माँ का गर्भगृह माँ का मूर्तिर ओठ पर्यंत जल भरी रही एथपी माँ का गर्भगृह सामने एक अस्थायी माटी बंध निर्माण माँ का पाख कूपुर साईर युवक मैंने नूतन गामुछा सह शुद्धभूत भाव जल काढ़ी से कर्पूर चंदन और केशर सह अन्य सामग्री पकाई पूजक को पाणीमाठिया बढ़ाई थे पूजक माँ का निकट में जलसाई करते माँ को पूजा अर्चना कर फूल सह नूतन वस्त्र पिंधा जा बेश माँ का आलती कर। आसंतु नेबा टिके विरति विरति पर अन्यान्य खबर। पुरी सहर विश्वस्त एवं सर्वपुरातन लुगा शोरूम संतोष एवं नुआ रंग रूप एवं नुआ स्थान रे न्यू संतोष नाम रे खोला जाय छि। एठारी सुटिंग स्टार्टिंग सह उभय जेंट्स एंड लेडीज गार्मेंट्स उपलब्ध सहित विमल डायमंड क्रासिम इंटेग्रिटी लम एंड मयूर और अरविन भरी ब्रांड सुटिंग सेटिंग रेडीमेड सह ब्रांडेड कॉस्मेटिक मध्य उपलब्ध तेबे थरे बुली आसंतु ना न्यू संतोष मौसीमा टेम्पल नियर साहू सुपर बजार ब्रांड रोड पुरी। विरती परे आपण मानको स्वागत। श्री जगन्नाथ प्रति अहेतुक आकर्षण जो ब्रह्मा मानस पुत्र महर्षि अंगिरा श्रीक्षेत्र चली आसी दोलमंडप साही जहनीमुंडिया छक निकट में आश्रम प्रतिष्ठा करी अवस्थान करते मात्र ऐतिह अंगिरा मठ अस्तित्व हराऊे गरुड़ फनी बेतरे भांगी नष्ट हो चतुर्थ मूर्ति विराजमान कर मंदिर पटी आँ कर तपघर गुंफा को मध्य बटवृक्षर चेर माड़ी सामने मठर घर मध्य भांगी जाइए। यार चतुर्पाश्वे प्राचीर कांत को व्यवस्थित करना कि भंगा घर को सजड़ा जाए ना श्रीमंदिर कल्पवट भाई अंगिरा मठ परिसर में काम्यवट रही निजर कामना पूरण बटवृक्ष लोके सूता बांधुवा कहुए काम्यवट श्रीमंदिर कल्पवट पर्यंत अंचल को पुण्यभूमि शास्त्र में उल्लेख रही बटवृक्ष चतुर्पाश्वे मुक्त स्थान को सुदर्शन बेढ़ा कहुए मात्र काम्यवट को घेरी रही पाचेरी दुर्बल हो व्यवस्थित करवित्र स्थल को अपवित्र कर दिखाई अंगिरा मठ मध्य श्रीजगन्नाथ श्री बलभद्र देवी सुभद्रा समेत सुदर्शन विग्रह महर्षि अंगिरा मूर्ति पूजा पाऊत रघुनाथ मध्य विराजमान कर मठ मध्य एक अश्वतत वृक्ष रही बेले महर्षि अंगिरा तपस्या करुंफा रही तपघर मध्य पिंडी तीनोटी फूल रही महर्षि स्वयं एठारे तपस्यारत थी अतीत भक्त मान श्रीमंदिर आसने एठाक आसी तपस्थल मटी को मथारे बोली हमें।
ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମକୁ 60-65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେମିତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ କାଳେ ଏଇ ଗଛ ଯିଏ କାଟୁଥିଲା ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଇଟା ଇଏ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଗଛକୁ ବି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଛୁ, ଏ ଗଛକୁ ଯିଏ ହାଣିବାକୁ କହିଥିଲା ତା'ର ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର କିଛି ସବୁ ସର୍ଭ କରୁଛି, ଏକ ଘେରାକୁ କିଛି ଦେଖୁନି, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ତା'ର କିଛି ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଯେଉଁ ଇଏ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାଆନ୍ତଙ୍କର ସିଏ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଫାସଫି ହେନତେନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୋଯୋଗ କେହି ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମନୋଯୋଗ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଇଏ ହୁଅନ୍ତାନି, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା ହେଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଏ ହୁଅନ୍ତେ ସବୁ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତେ ସବୁ, ଆଉ ଇଏ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି କୋଉ କାଳର ଇଏ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଐତିହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ମଠକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏହି ମଠ ମହତଶୂନ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 1990 ମସିହାରୁ ଅବକାଶ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏହି ମଠ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ବି ବହନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ସହ ଏହି ମଠ ଜଡିତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ, ଶ୍ରୀ କଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ, ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରରାଜ ଅଙ୍ଗିରା ମଠକୁ ପ୍ରାୟ 6 ଥର ଆସିଥାନ୍ତି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗତ କିଛି ଦିନ ହବ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି, ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ଏହି ଅଙ୍ଗିରା ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ଥିବା ହେତୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନକୁ 2 ଥର ଆସୁଛି ଦର୍ଶନକୁ, ଅଙ୍ଗିରା ଗୁପ୍ତ ମଠ ଆମର ବଡ଼ଛତା ମଠ ଅଧୀନରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। 3 ଦିନ ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଉପର ବାଟେ ଯେଉଁ ଚେର ଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା କଟା ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସାହି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିକି କୁହନ୍ତୁ, କହିଲେ ସେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାଇନା ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ଲାଗେ ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଲି ପଇସା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏତେ ପୁରାତନ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଅବଦାନ ଆସେ ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉପକୃତ ହେବେ ଭକ୍ତ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।